लगातार परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में। डॉक्टर अरुण कुमार ने श्वास नली में सूजन के दर्द को घरेलू नुस्खे के जरिए आराम पा सकते हैं। प्याज, अदरक, सौंठ, पान के जरिए दर्द को कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। श्वास नली में सूजन आने पर आजमाएं ये घरेलू उपाय, जल्द मिलेगी राहत। कोरोना के साथ ही एक समस्या जो लोगों को देखने में आ रही है वो है श्वास नली में सूजन। इसको लेकर लोग बहुत घबरा रहे हैं, लेकिन श्वास नली में सूजन कोई आज की समस्या नहीं है। यह बहुत पुरानी समस्या है और जिसको आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। सांस नली में सूजन होने पर कई बार सीने में भारीपन महसूस होने लगता है और दर्द सा भी महसूस होता है। कई लोगों की यह समस्या लंबे समय से चली आ रही होती है। ऐसे में कुछ आयुर्वेदिक उपायों को आजमाकर इस समस्या से धीरे धीरे ही सही पर राहत पाई जा सकती है। आइए जानें श्वास नली में आई सूजन को कम करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज। श्वास नली में सूजन आने पर प्याज का उपाय बहुत पुराना है। इसे आजमाने पर राहत भी मिलती है। यदि श्वास नली में सूजन की समस्या पुरानी है तो मिक्सचर में पानी प्याज को पीसकर इसका रस निकाल ले और मिश्री मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करें। और बुजुर्गों के यदि ये समस्याएं हो रही है तो रस का सेवन करने के बजाय प्याज को सब्जी के रूप में बनाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से श्वास नली में सूजन कम होने लगती है। सौंठ। श्वास नली में आई सूजन को कम करने के लिए सौंठ और काली मिर्च को पीस ले और इसमें हल्दी पाउडर मिला ले। तीनों को बराबर मात्रा में लेकर मिला लें। इस मिश्रण को दिन में दो बार लें। एक बार में आधा चम्मच पाउडर लेकर ऊपर से गर्म पानी पी लें। एक सप्ताह तक यदि नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो अपने आप ही श्वास नली में सूजन और दर्द की समस्या कम होने लगेगी। इस मिश्रण को रोज एक तय समय पर लेने का नियम बना लें। अदरक। अदरक भी इस समस्या में उपयोगी साबित होता है। आधी अदरक के साथ 5 बादाम और 7-8 मुनक्का को पीस लें और गर्म पानी से इसका सेवन करें। रात में सोते समय इसका सेवन करने से श्वास नली की जगह दर्द में राहत मिलेगी और आप आराम की नींद ले सकेंगे। यदि आपके शरीर की तासीर गर्म है तो अदरक की मात्रा का थोड़ा गर्म कर कम कर दें। और अदरक को यदि आपको कोई नुकसान पहले नहीं पहुंचा है तब तो यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो। पान के रस का सेवन भी श्वसन नली में होने वाली सूजन की समस्या में राहत देता है। गर्मियों में इसका सेवन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करता है। पान के रस में थोड़ा शहद मिलाएं और इसको पी लें। याद रखें कि शहद की मात्रा बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। शहद उतना ही हो कि रस का स्वाद बदल जाए। इसका दिन में 2 बार सेवन जरूर करें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी, गृहिणी एवं समाज सेवी, ने बच्चों को किस करने से स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जानकारी दिया है। मुंह पर छाले किस रोग हो सकते हैं? किस करने की आदत होती है, परंतु बच्चों को किस करने से उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे बच्चों को किस करने से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु से पहली बार मिलने पर लोग नवजात शिशु को किस करने लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। किस करने से बच्चे को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं बच्चे को किस करने से उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। मुंह में छाले। बच्चे को किस करने से बच्चे के मुंह में छाले हो सकते हैं। इसका कारण हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 यानी HSV-1 होता है। इसमें होठों या मुंह के आसपास छोटा फफोला हो जाता है जो बाद में चेहरे के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे नाक, गाल और थोड़ी।
फूड एलर्जी, शिशु को किस करने पर फूड एलर्जी भी हो सकती है। वहीं अगर आप होंठों पर ग्लूटेन युक्त लिपस्टिक लगाकर बच्चों को किस करती है तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसिंग डिजीज, बच्चों को किस करने से बच्चों को किसिंग डिजीज भी हो सकता है। मोनोन्यूक्लियोसिस को सिंग डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी का मुख्य कारण किस करते समय बच्चों के मुंह में सलाइवा जाना हो सकता है। इस बीमारी की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, बहती नाक और सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती है। दांतों में कैविटी, बच्चों को किस करने से बच्चों के दांतों में कैविटी हो सकती है। किस करते समय बच्चों के मुंह में सलाइवा जा सकता है और सलाइवा में मौजूद स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट नाक बैक्टीरिया के कारण बच्चों के दांतों में कैविटी हो सकती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, बच्चों को किस करने से बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। आपके किस करने से बच्चों के शरीर में कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं जिस वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यह भी स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। बच्चों में कोई भी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।